Good morning, students. I'm Ruchika Modi. Today we are going to learn about Wegener's law. Wegener's law हमें बताता है कि how state activities, that means government की जो activities हैं, वो बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, and also why public expenditure is increasing. So Adolf Wegener नाम के एक German economist थे in 19th century. उन्होंने एक research की and found that सरकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं. जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप करती है या एक्सपैंड होती है, वैसे वैसे सरकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ती है, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ सरकार का खर्च भी बढ़ता रहता है. सो वेगनर्स लॉ हमें क्या बताता है, एज इकॉनमी डेवलप्स ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ेंगी एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस. ठीक है, इसके अंदर दे हाइपोथेसाइज क्या होता है, एक हाइपोथेसिस लाइक एक आइडिया होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि आई थिंक सरकार की एक्टिविटीज बढ़ रही है, या फिर आई थिंक सरकार की एक्टिविटीज और खर्चे बढ़ रहे हैं बिकॉज हमारी इकोनॉमी भी एक्सपेंड हो रही है, और इट इज द अदर वे अराउंड. ही वॉन्ट्स टू चेक दिस. तो उन्होंने स्टडी की. Then he found that there is a functional relationship. Functional relationship का मतलब ये है कि एक का दूसरे पे प्रभाव पड़ना, और that too logical. There is a functional relationship between industrialization and relative importance of public sector. That means जैसे जैसे industrialization बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके साथ साथ देयर इज एन इम्पैक्ट ओवर पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज. देन ही एग्जामिन्ड, उन्होंने एग्जामिन किया इस पूरी प्रोसेस को, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एंड जापान के अंदर. देन इस पूरे जो हाइपोथेसिस को टेस्टिंग के दौरान जो भी रिजल्ट्स आए, उनको उन्होंने नाम दे दिया वेगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, जिसके अंदर ही स्टेटेड दैट जो सरकार की एक्टिविटीज है वो बढ़ती जा रही है दोनों तरीके से. देयर इज एन इनहेरिटेंस टेंडेंसी फॉर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट. जो भी हमारी लेयर्स, मतलब कि जो भी स्टेजेस हो गए, लेवल्स हो गए, जैसे हमारा लोकल, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, वैसे सो डिफरेंट लेयर्स के अंदर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटीज बोथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज इंटेंसिव एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव, मतलब कि एक्सटेंसिव एक्टिविटीज में क्या आता है. देखो इंटेंसिव, इनका मतलब इंटरनल ले सकते हैं हम, तो जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही है एक तरीके से, जो हमारी पुरानी ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं जो हर सरकार को करने ही होते हैं. आई मीन लाइक जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उस टाइम पर हम फ्री इकोनॉमी चलाते थे, दैट मीन्स देयर वर मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था एज सच, इट्स जस्ट गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज़ थी दैट दे हैव टू परफॉर्म लाइक डिफेंस. ठीक है, दीज काइंड ऑफ एक्टिविटी जो सरकार पहले भी करती थी व्हेन देयर वाज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर उसके बाद जैसे ही सोशलिस्ट हुई या मिक्स हुई, मतलब कि हर टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो सरकार का काम होता ही है. फर्स्ट इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिफेंस. तो इस तरीके की एक्टिविटीज में एक्सपेंशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफेंस की बात करें, वैसे तो हम आगे ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं बच्चे, तो पहले क्या था, आपको जो अपने डिफेंस है स्ट्रॉन्ग रखना होता था, लेकिन वॉर के टाइम पे, दैट मीन्स वॉर है उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ काम करना है. अदर देन दैट इट वाज अ नॉर्मल लाइफ, आपको मेंटेन करना पड़ता पर उतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता. वेयर एज अगर हम आज की बात करें, आज हमें हर टाइम रेगुलर रहना पड़ता है, वहाँ पे हमें एक्टिव रहना पड़ता है बिकॉज वी डू नॉट नो कि कौन सा नेबर हमें कब अटैक कर दे, वेदर इट बी चाइना, पाकिस्तान, नेपाल भी अब तो चाइना के साथ मिल रहे हैं. तो इस तरीके से हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो हमें हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है फर्स्ट. चलो ये चीज़ तो पहले भी हुआ करती थी. सेकंड चीज़, पहले आपको सिर्फ एक्टिव रहना है, आपका जो भी गोला बारूद है वो आप ले लेते थे एंड देन ठीक है लड़ते रहो. बट नाउ हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी जो जासूस लेवल वाला जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है टू लोकेट कहाँ पे हमारे नेबर्स छुप के बैठे हैं या नेबर्स की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, ये रडार सिस्टम हो गया। तो इन सब चीज़ों में जैसे जैसे सरकार को अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अदर अदर एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही है, दैट मीन्स हम उसको कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड इंटेंसिव इंक्रीज इन द स्टेट एक्टिविटी। सरकार की इंटरनल एक्टिविटीज़, ओल्ड एक्टिविटीज़ या फिर ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम एक्सटेंसिव की बात करें, एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल, दैट मीन्स न्यू एक्टिविटीज़, न्यू वेलफेयर फंक्शंस जो सरकार के अब आए हैं मार्केट के अंदर एंड उनको पूरा करना है। मूविंग ऑन, अब सरकार जो वैगनर्स लो था, वैगनर्स लो के अंदर कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से एक्चुअली में स्टेट एक्टिविटीज़ एक्सपैंड होती है, एज इन जो भी हम पढ़ेंगे वो आप इंटेंसिव या एक्सटेंसिव में क्लासिफाई कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से अपना एग्जाम में आंसर प्रेजेंट कर रहे हो। दैट मीन्स अभी जैसे मैंने बोला एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शन, ये ऑलरेडी हम इंटेंसिव में पढ़ चुके हैं, लेकिन वही डिफेंस वाला फंक्शन यहाँ पे फिर से बोला गया है। जैसे ट्रेडिशनल फंक्शन में क्या क्या आता है, डिफेंस आपका, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस दैट मीन कोर्ट, लो एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आपका प्रोविजन फॉर द सोशल ओवरहेड्स, सोशल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोशल गुड्स हैं वो सबके, एक्चुअली गुड्स उस टाइम पे नहीं आते थे बट धीरे धीरे इट इज़ इंक्लूडेड इन द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑल्सो। तो ये चारों की चारों चीज़ें आर इन योर ट्रेडिशनल फंक्शन, धीरे धीरे बढ़ रही है। लाइक डिफेंस का मैंने आपको पहले बता दिया, डिफेंस में अब क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि आपके वेपन्स सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, तो आपको वेपन्स को भी बहुत जल्दी जल्दी डिस्कार्ड करना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी उनको एक तरीके से कह सकते हैं चेंज करना पड़ता है, एडवांस करना पड़ता है। ऑल्सो हमारी इंटरनल प्रोटेक्शन में बहुत बढ़ गया, इंटरनली पहले सिर्फ पुलिस फोर्स दैट इज़ इट, अब तो साइबर क्राइम भी आ गया है, बैंकिंग की जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ बढ़ रही है उनके लिए भी लॉज आ रहे हैं, तो हमारी ये एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही है। ऑल्सो अगर हम सोशल गुड्स की बात करें तो ट्रेडिशनली इट वॉज़ नॉट मच गुड्स, आपको नॉर्मल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना था, दैट इज़ इट। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज़ एक्सपैंड हो रही है, देश की ज़रूरतें बढ़ रही है, हमारे सोशल ओवरहेड्स भी बढ़ रहे हैं, लाइक पेंशन स्कीम्स, ठीक है। तो पेंशन स्कीम्स अगर पहले भी थी तो भी तो पेंशन कम रखी जाती थी, नाउ इट्स सेवेंथ पे जिसके अंदर पेंशन स्कीम बहुत ज़्यादा है, पेंशन बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली योर स्कॉलरशिप, योर सब्सिडीज़ पहले क्या था, खाने पे दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तेल पे दे देंगे, अब तो बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी है। सो सोशल है वो हेड में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। देन है कवरेज ऑफ न्यू फंक्शन, दैट इज़ योर एक्सटेंसिव फंक्शन, ठीक है। तो कवरेज ऑफ न्यू के अंदर हमारा अब जो क्राइटेरिया है, पहले क्या था, सिर्फ डिफेंस, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड स्टेट ओवरहेड्स, लेकिन अब बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि एजुकेशन, पहले सरकार कोई एजुकेशन नहीं देती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। देन है पब्लिक हेल्थ, लो कॉस्ट हाउसिंग आवास योजनाएं जो चल रही है, सब्सिडाइज फूड प्रोविजन, एग्रीकल्चर इनपुट्स, ओल्ड एज पेंशंस, सिकनेस बेनिफिट, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर एक्सटेंसिव। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रेडिशनल के अंदर सिर्फ आपका डिफेंस, जस्टिस इन लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ओवरहेड जाता था, सोशल ओवरहेड के अंदर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती थी, जिसके अंदर ट्रेडिशनली मतलब बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तब जब वैगनर्स ने 19th सेंचुरी में ये लॉ डेवलप किया था, तब एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लो कॉस्ट हाउसिंग ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती थी। इवन इफ़ काफ़ी कंट्रीज़ में अगर ये इंक्लूड की भी जाती थी तो उनका स्केल बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। तो जिन जिन कंट्रीज़ की स्टडी हुई उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, एंड लेटर ऑन दीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द स्टेट एक्टिविटीज़, दैट इज़ वाई इन एक्टिविटीज़ को हम एक्सटेंसिव एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेलफेयर के लिए। एंड सी, जो आपका ट्रेडिशनल है दैट इज़ गुड, वो आपको मेंटेन करना या फिर वो ड्यूटी पूरी करना ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, मेनली यहाँ पे तीनों चीज़ें सिक्योरिटी हैं,
डिफेंस, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी पर्पस से, या फिर आप बाहर के लोगों से खुद को बचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन दैट एक्सटेंसिव वाला न्यू फंक्शंस इज जस्ट फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। ये ज़्यादातर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, नॉट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। लास्ट इज एक्सपेंशन ऑफ स्फेयर ऑफ पब्लिक गुड्स। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें एक थियरी करेंगे हम, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ गुड्स। वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज पब्लिक गुड, व्हाट इज प्राइवेट गुड, व्हाट इज मैरिट गुड्स एंड व्हाट आर क्वासी मैरिट गुड्स, क्वासी पब्लिक गुड्स। ओके, सो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए योर पब्लिक गुड्स इज जस्ट कि जो भी सरकार गुड्स प्रोड्यूस करती है आम जनता के लिए, दैट मीन्स जो भी सरकार सब फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करवा रही है आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स। पहले 19th सेंचुरी में पब्लिक गुड्स के अंदर ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ नहीं था, या फिर बहुत ही छोटी चीज़ें, बहुत ही कम चीज़ें इंक्लूड की गई थी। लाइक यू कैन से, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा एजुकेशन कहाँ पे आया था, न्यू फंक्शंस के अंदर आया था। तो न्यू फंक्शन के अंदर आया दैट मीन्स पुराने टाइम में पब्लिक गुड्स के अंदर एजुकेशन तो नहीं था। सो धीरे धीरे हमें पता लगा कि देर इज अ नीड ऑफ दीज पब्लिक गुड्स, दीज गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इन फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि सरकार अपनी कंट्री को डेवलप कर सके। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, नीड एंड नेसेसिटी फॉर सोशल एंड मैरिट गुड्स। पब्लिक और मैरिट में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देख लेंगे। सो मैरिट गुड्स थ्रू बजटरी एलोकेशन, जो हमारा फंक्शन था ना एक्सपेंडिचर वाला, ये वही है बजटरी एलोकेशन। आपने एक बजट बनाया, उसके अंदर आपने एक्सपेंडिचर एलोकेट किए कि मुझे इस पे काम करना है, मुझे ये वाला पब्लिक गुड प्रोड्यूस करना है, मुझे यहाँ पे खर्चा करना है, ये पॉलिसी पे इतना खर्चा करना है। आफ्टर दैट वी विल लिस्ट आर इनकम कि हम यहाँ यहाँ से इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बजटरी एलोकेशन कंप्लीट, नॉट ओनली द एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो द इनकम एंड द डेट स्ट्रक्चर। सो अब स्टेट की जो ये काम थे जिसमें इन्होंने पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट के फेवर में भी थे, क्योंकि एक तरीके से कंट्री के अंदर प्रोडक्शन तो हुआ है, और अगर प्रोडक्शन हुआ है तो फिर आपका जो GNP है या फिर नेशनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होगा, उसमें भी इंक्लूड होगा। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वाई पब्लिक गुड्स वर एक्सपेंडेड, क्योंकि सरकार चाहती है कि उनके देश का जो कुल घरेलू उत्पाद है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या कुल उत्पाद है, वो बढ़े, नेशनल प्रोडक्ट बढ़े। एज अ रिजल्ट पब्लिक गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होने लग गया, इरीगेशन फैसिलिटी, फ्लड कंट्रोल के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर योर एवरीथिंग, जैसे कि आपका रोड, आपके डैम या किसी भी तरीके का डेवलपमेंट। और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एक चीज़ है पूरी, मतलब कि आपको रोड, पार्क, ये जो आपने लिख रखे हैं ना, एक सेकेंड आई विल जस्ट रब इट लिटिल बिट ताकि ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आ जाए। सो यहाँ पे देखिए, मैं येलो पेन यूज़ करती हूँ अभी। इरिगेशन फैसिलिटी के लिए आपने डैम प्रोड्यूस किए होंगे, आपने पार्क प्रोड्यूस किए हैं, एजुकेशन के लिए आपने स्कूल्स प्रोड्यूस किए होंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, मोबाइल वैन्स, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक तरीके से इनका आपने कंस्ट्रक्शन किया होगा कभी ना कभी तो। सो कंस्ट्रक्शन भी एंड ऑल्सो द मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड कंस्ट्रक्शंस। अगर आपने पहले कोई स्कूल बना दिया, पहले कोई पार्क बनाया, पहले रोड्स बनाई हैं, तो उनका टू कंप्लीट मेंटेनेंस भी आपका पब्लिक गुड के अंदर आएगा। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल्स भी वर्ड लिया है, सेम वही चीज़ें हैं जैसे कि हमने अभी बात की है पार्क की, एजुकेशन की, हेल्थ की, वही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही है, कल हम अदर कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग हमारा जो स्टेट एक्टिविटीज़ है या स्टेट एक्सपेंडिचर्स है उसके लिए पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ वेगनर लॉ, वेगनर लॉ का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है,
जो बाकी की स्टडीज के अकॉर्डिंग आए थे, उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। एंड ऑल्सो आई विल ट्राई कि मैं आपकी नेक्स्ट थियरी भी कल ही कवर अप कर दूँ इफ़ द लेसन डजेंट गो वेरी मच लॉन्गर। थैंक यू स्टूडेंट्स।